आखिरकार मेरी परेशानियां खत्म हो गई, अब सब कुछ सही चलेगा। इस तरह का पूर्वानुमान लगाना गलत है। जब हमने कॉलेज पूरा किया तब शायद हमें ऐसा लगता हो कि अब सारी चुनौतियां पूरी हो गई हैं और आने वाला भविष्य बहुत उजला है, और बहुत जल्दी काम या नौकरी की हकीकत और भी बड़ी चुनौती साबित हुई। तनख्वाह पाने की खुशी रोजमर्रा की जरूरतों के नीचे दब गई। शादी खुशियां लेकर आई और थोड़ी समस्याएं भी। बच्चे होने की खुशी अभिभावक होने की जिम्मेदारी लेकर आई। जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए वैसे ही चुनौतियां भी बड़ी होती गईं। जैसे समंदर की लहरें होती है ना, जिंदगी भी अपने हिस्से की मुश्किलें और चुनौतियां लेकर आती हैं। बिना परेशानियों की जिंदगी पाने की कोशिश करना, किसी ऐसी चीज को पाने की इच्छा करना है जो कभी हाथ में आती ही नहीं है। जिंदगी जिन चुनौतियों को हमारे रास्ते में लाती है, हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए, मजबूती से डटे रहना चाहिए और उसका सामना करते हुए चलते रहना चाहिए। दोस्तों, सकारात्मक रहें, दूसरों का सम्मान करें, उनकी जिंदगियों को महत्व दें, विफलताओं में भी मुस्कुराएं, उनसे सीखें और विजय पाने पे खुशी मनाएं। जिंदगी को भरपूरी से जिएं, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। इसलिए जिंदगी जैसी भी चले इसको बस जीते चलिए। परमेश्वर आपको इस काम में आशीष दे।